सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्लोबल शॉर्ट सर्किट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लोबल शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो इस कंडीशन में कई नोड दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही नोड होता है, और इसमें जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग ग्लोबल शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इस प्रकार से सर्किट दिया हो, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर जो हम इसको देखें तो ये क्या है? ग्लोबल शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। जब इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, अर्थात ये टोटल करंट कहाँ से पास होगा? इधर से। और इस कारण से टोटल आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, ये मान लिए हम कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे जीरो, इसको इसका रेजिस्टेंस क्या है? जीरो, डिवाइडेड बाई 10 प्लस जीरो, तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जा रहा है? जीरो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नोड तो दिखाई देते हैं, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, चाहे जितना भी नोड दिखाई दे, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सिर्फ एक नोड होता है और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पे हम देखें एक नोड है या दो नोड है, तो इस कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, दो नोड है। लेकिन अगर जो हम इसको देखें तो ये ए पॉइंट है, तो यहाँ भी कौन सा पॉइंट है? ए। ये शॉर्ट है तो यहाँ भी कौन सा पॉइंट है? ए। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए। और ये भी क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ से हम टोटल क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक नोड है और इसका रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल के देख चुके हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना जा रहा है? जीरो। अब मान लीजिए ये तो एकदम सिंपल था, अगर जो इस प्रकार से दे दे, ये ए है और ये बी है, यहां से उठा के इसको शॉर्ट कर दे, फिर यहां से उठा के इसको और यहां से इसको, तो इस कंडीशन में क्या है, ये सर्किट भी क्या है, हमारा ग्लोबल शॉर्ट है। क्योंकि अगर जो हम यहां से देखें तो ये कौन सा पॉइंट है? ए। तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पे। अब ये क्या है, इधर से शॉर्ट है, तो इधर से शॉर्ट होकर ए पॉइंट कहां पे आ गया? यहां पे। पुनः यहां से देखें तो ये कहां पे आ गया? यहां पे। और ये फिर कहां आ गया? यहां पे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि केवल एक ही नोड इसमें क्या है, यहाँ पर दिख तो रहा है एक नोड ये है और एक नोड ये है, लेकिन वास्तविक में कितना नोड है? सिर्फ एक नोड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा। अगर जो मान लेते हैं इसका मान आर वन है, इसका मान आर टू है और इसका मान आर थ्री, इसको हम लोग हल करें तो ये आर वन इंटू जीरो करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, अर्थात ये शॉर्ट हो जाएगा। पुनः हम यहाँ से देखेंगे ये वाला, तो ये भी क्या है? जीरो। और आर टू इंटू जीरो डिवाइडेड बाई आर टू प्लस जीरो, तो ये कितना जाएगा? जीरो। पुनः इसको भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये कौन सा सर्किट हुआ? ग्लोबल शॉर्ट हुआ। ग्लोबल का मतलब संपूर्ण रूप से क्या है, ये सर्किट शॉर्ट सर्किट है। अब इस पे और टाइप से भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। अब पूछ ले आर ए बी का मान बताइए, तो आर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, ये पॉइंट ए है, ऐसे तो दिख रहा है एक नोड ये हो सकता है, एक नोड ये हो सकता है, एक नोड ये हो सकता है, लेकिन अगर जो हम इस कंडीशन में चले इधर तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है, तो ये ए पॉइंट ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा? ए। और यहां पर भी क्या रहेगा? ए, क्योंकि ये शॉर्ट है। फाइनली यहां तक क्या आ जाएगा? ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्लोबल शॉर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, और टाइप से बहुत टाइप्स होते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहां पे
ये मान लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है, और ये 4 ओम है। अब पूछ ले कि इसमें या फिर इसमें या इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये जो टोटल सर्किट है ये क्या है, ग्लोबली शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि यहां से हम देखें तो ये कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे ये भी शॉर्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए, और ये भी हो जाएगा क्या, ए। तो इस कारण से जब ये शॉर्ट है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, और ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो इसमें जो टोटल करंट है वो यहां से निकलेगा और ऐसे जाएगा, कोई भी करंट इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें या इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो इस कारण से जो टोटल करंट है वो किधर से आ जाएगा, इस इधर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें करंट कितना प्रवाहित होगा, इसमें अगर जो आइडियल है तो इनफाइनाइट, अगर जो आइडियल नहीं है तो कुछ फाइनाइट वैल्यू में करंट प्रवाहित होगी, लेकिन इन सब में क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू 0, क्योंकि ये है क्या, रेजिस्टेंस 0। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो, अगर जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।